हेलो जी, क्या हालत सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपने नाम देख ही लिया होगा, कॉलेज ऑफ द रॉकीज़ के बारे में वीडियो है। बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे कॉलेज की जिसके बारे में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात क्लियर से समझना है तो प्लीज़ एक बार नीचे देख लीजिएगा। और यही इन्फॉर्मेशन हमने बहुत पहले हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी थी, तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो यहाँ से कर लीजिए। एंड हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंडे एंड सैटरडे को लाइव किए होने सेशंस भी रखे होते हैं, जिस जैसे ही आप बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हो और आप में से बहुत सारे लोगों का शायद मैं रिप्लाई कर भी नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए हमने वहाँ पर Q&A वगैरह रखे ताकि आपके जो भी सवाल हों रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पर रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है जी। जैसे कि पब्लिक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ रॉकीज़ की क्रैनब्रुक ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है। पब्लिक कॉलेज है, एप्लीकेशन फ़ीस 100 कैट की है। वैसे हमारे पास वेवर्स भी चलते रहते हैं, जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज हमारे पास वेवर है, बट आई डोंट नो नो आप ये वीडियो कब अपलोड होगी और आप कब इस वीडियो को देखकर मुझे कांटेक्ट करोगे। तो अगर उस टाइम पर हमारे पास कुछ भी वेवर चलता हुआ विल डेफिनेटली ट्राई टू हुक यू अप। एंड ट्यूशन फीस इसकी 6300 कैट से लेकर 15,000 के आसपास तक जाती है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट 50% है, आइस की रिक्वायरमेंट 6 ईच की है, टोफिल की रिक्वायरमेंट 80 की है, PT की रिक्वायरमेंट 56 की है और डिलिंगो की रिक्वायरमेंट 110 की है। ठीक है जी। सितंबर 23 इनटेक के लिए ओपन शो हो रहा है फिलहाल की घड़ी है। प्रोग्राम अवेलेबल हैं ESL प्रोग्राम अगर आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते उनके लिए, बट आई डोंट रिकमेंड हाई रिस्क स्टेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई इन दिस, जैसे पंजाब हरियाणा के हो गए वो ना अप्लाई करेंगे ESL के साथ, चांसेस भी जाना के कम रहेंगे। बाकी स्टेट्स वाले फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी एसोसिएट ऑफ साइंस प्रोग्राम में बेसिक्स आपके मेडिकल नॉन मेडिकल या फिर सुपर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। जब अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट्स अच्छे ना हो या फिर अगर आप जस्ट कन्फ्यूज़ हैं कि आप कौन सी फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, तो एक बेसिक प्रोग्राम जो सभी यू नो मेजर्स को कवर करेगा थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा और वीजा आने के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। ठीक है ना। इन प्रोग्राम में ज़्यादातर हमने नोटिस भी है कि रिफ्यूज़ केसेस भी अप्रूव हो जाते हैं। फिर आ जाता है जी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पर अगर आपने कॉमर्स के बाद डिप्लोमा किया बिजनेस का, यू कैन डेफिनेटली यू नो अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। फिर आ जाता है जी कॉलेज डिप्लोमा इन किन्जनोलॉजी, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और फिर आ जाता है जी पोस्ट डिग्री डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है ना। अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे रहेंगे। और अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।